नमस्कार दोस्तों, मेडिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे RVUNL का जो JEE का पेपर हो रहा है उसमें राजस्थान की जीके काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे लोगों की कमांड रहती है। इस पर बहुत सारा सिलेबस है, अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी पोर्सन पूछ रहे हैं, और लास्ट ईयर के पेपर को देखो तब भी वो कुछ भी पूछ रहे हैं। अब हम लोग इसकी भौतिक विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी पोर्सन भी कवर करेंगे। हिंदी में इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि चीज़ें जो जनरल स्टडीज की हैं वो कितना भी इंजीनियरिंग आपने इंग्लिश में की हो वो इतनी फेमिलियर नहीं होती हैं, और पेपर में हिंदी आती भी है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? ऑप्शन है प्रधान मध्यान्ह रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा, और आपको इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 826 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 826 किलोमीटर। लेट्स मूव फर्दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कौन सी तहसील, जिला नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी तहसील पूछी है, कौन सी तहसील पूछी है? आंसर है इसका कुशलगढ़। इसका आंसर है कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील जो है वो राजस्थान के साउदर्न मोस्ट पॉइंट में स्थित है एक तरीके से। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? वी स्मिथ, कर्नल टाट, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज थॉमस। इसका सही आंसर है जॉर्ज थॉमस ने ऐसा किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसको सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? किस तारीख को ऐसा होता है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य? तो ये होता है 21 जून को। ये होता है 21 जून को। कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 20, 26, 32 या फिर 42 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनकी संख्या लगभग 50 है, इसमें से आपका एक प्रश्न आएगा संभवतः, गारंटी नहीं है, क्योंकि टोटल 26 से 30 टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हो सकता कोई टॉपिक एक तरीके से स्किप भी कर दें, फिर भी उम्मीद है भौतिक विशेषताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है पर भ्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण, जलवायु के कारण, मौसम के कारण। तो इसका सही आंसर है परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम ने कितने घंटे आगे है? सबको पता है कि ये 5.5 घंटे आगे है। सबको पता है कि ये 5.5 घंटे आगे रहता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन के रेफरेंस में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति है सर्कुलर, स्फेरिकल, जियोडिकल या चपटाकार? ये जियोड का मतलब है जियोडिकल, तो इसका सही आंसर होगा जियोड। इसका सही आंसर होगा जियोड। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? ऑप्शन है 42 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 82 किलोमीटर या फिर 89 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 43 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का देशांतरी विस्तार है? राजस्थान राज्य का देशांतरी विस्तार है, तो हम आपको बता दें इसका देशांतरी विस्तार है 69° 30' से 78° 17' पूर्व। 69 डिग्री, चूंकि यहाँ पे पूर्व की सिर्फ बात की गई है, यहाँ पे चूंकि पूर्व की बात की गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69° 30' से 78° 17' पूर्व। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए, ये तो 10.41% है। कितना है? 10.41% है, 10.41% है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23° 3' 23° 3' है राजस्थान का दक्षिणतम स्थान। राजस्थान का दक्षिणतम स्थान है 23° 3', और वो भी साउथ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग या फिर दक्षिण पूर्वी भाग? तो इसकी भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम भाग, इसकी भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम भाग। अगला प्रश्न है, जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है 76 डिग्री पूर्व देशांतर। कितने डिग्री देशांतर पर है? 76 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। किस जिले का अक्षांशी विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश? अब देखिए ये प्रश्न कैसे आप याद रख सकते हैं, बड़ा मतलब कितना डीप में जाकर पूछ रहे हैं। किस जिले का अक्षांशी विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट तक है? तो आपको बता दें ये जिला कौन सा है? गंगानगर है। ये जिला कौन सा है? गंगानगर है। जेम्स टाड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? जेम्स टाड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? ये प्रकाशन हुआ था 1839 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? वेस्टर्न पॉइंट पे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, देखिए डिस्ट्रिक्ट भी पूछ ले रहे हैं, तहसील भी पूछ ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। राजस्थान का पश्चिमतम जिला है गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान का पश्चिमतम जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशी विस्तार कितना है? दक्षिणतम और उत्तरी, साउथ और नॉर्थ के बीच का अक्षांशी विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर है 60 डिग्री 9 मिनट। जब आप देखेंगे तो 23 से जाके ये 30 तक जाता है, 23 डिग्री कुछ मिनट से 30 डिग्री कुछ मिनट तक जाता है, तो वो बीच का जो डिफरेंस है वो 7 डिग्री 9 मिनट है, वही आपसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त पहले कहाँ होता है? राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त पहले कहाँ होता है? ऑप्शन है धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों धौलपुर में होता है, दोनों धौलपुर में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 23 डिग्री आधा मिनट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? सबको पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? टोटल अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, चूंकि वन रेखा कॉमन होती है तो वो 180 नहीं होता है। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक और क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट बिल्कुल सही लिखा हुआ है नॉर्थ का, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 57 मिनट ई, ये भी सही लिखा हुआ है, 34, 22, 39.74 ये क्षेत्रफल भी सही लिखा है। तो इसका सही आंसर ए पार्ट हो जाएगा, इसका सही आंसर ए पार्ट हो जाएगा, आंसर में भी आपको यही मिलेगा, आंसर में भी आपको यही मिलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, कोई डाउट नहीं है। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी किस राज्य पर पड़ती हैं? डूंगरपुर पर। किस राज्य पर पड़ती हैं? डूंगरपुर राज्य पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा तिरछी नहीं पड़ती, सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है? किस कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। किसका कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा, कर्म रेखा जो लिख गया है वो जो होगा कर्क रेखा होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि किस जिले से होकर गुजरती है, अगर ये चार ऑप्शन हो तो डूंगरपुर से होकर गुजरती है। डूंगरपुर से संबंधित अभी हमने एक प्रश्न का और आंसर बताया था, वो क्या था कि किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं, किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मेडता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या फिर राजसमंद? तो इसका सही आंसर है राजसमंद। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किनके क्षेत्रफल के बराबर है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग दो देशों के बराबर है, वो कौन से दो देश हैं? एक तो नॉर्वे है और एक पोलैंड है, या बेल्जियम और पोलैंड है। कौन सा आपको लग रहा है? आपको कौन सा लग रहा है, नॉर्वे और पोलैंड या बेल्जियम पोलैंड? नॉर्वे और पोलैंड ये दो देश ऐसे हैं जिनके क्षेत्रफल के बराबर किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य अपना मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा व ग्रीन रेखा के सापेक्ष राजस्थान
कौन से गोलार्ध में स्थित है? भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष। तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। राज्य के पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में जो डिफरेंस है, अगर यहाँ 3 बजा है तो वहाँ कितना बजता है? तो वहाँ 3:36 होता है, बीच का डिफरेंस 36 मिनट है। राजस्थान के क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो जापान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह, आपको ये तो पता ही है कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है तूतीकोरन, कांडला, पारादीप, कोचीन। तो इसका सही आंसर है कांडला, इसका सही आंसर है कांडला। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका, नेपाल। उम्मीद करते हैं कि इसका सही आंसर श्रीलंका होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरी व अक्षांशी विस्तार है। देशांतरी व अक्षांशी विस्तार है। अभी हमने पढ़ा था, एक तो 60° 9' था, दूसरा जो होता है वो 8° 47', मतलब जो इधर से और दाहिनी तरफ के बीच का डिफरेंस है वो ऊपर से नीचे के बीच का डिफरेंस है वो अक्षांशी और देशांतरी। विस्तार का मतलब बीच का अंतर, जो यहां से वहां तक जाते हैं, वहां से यहां तक आते हैं। तो अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70° पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है? वह जिला है जैसलमेर, वह जिला है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, यदि जैसलमेर 69° पूर्वी देशांतर पर स्थित है और सूर्यास्त का समय 7 PM है तो धौलपुर में जो 78° पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय क्या होगा? 69 से 78 के बीच अंतर कितना आया? 69 से 78 के बीच अंतर आया 9°। 9° का अंतर है तो 36 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि 1° पे 4 मिनट का अंतर बैठता है। 36 मिनट ज़्यादा होगा या 36 मिनट कम होगा? तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समय कम हो जाएगा। अगर वही 69 से वो पीछे आ जाता, 9:60 पर पूछता तो समय बढ़ जाता। तो 78° पर समय 6:24 हो जाएगा, 36 मिनट कम हो जाएगा। 60 मिनट में 36 मिनट घटाएंगे तो 24 मिनट बचेगा। 1 डिग्री के अंतर पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ये सिंपल लॉजिक है। और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं पूर्वी देशांतर पर तो आपको टाइम टू टाइम पीछे जाना पड़ेगा, और अगर पीछे जा रहे हैं तो आपको टाइम में आगे जाने पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है?